हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इसमें हम बी एस सी सेकेंड ईयर बॉटनी पढ़ रहे थे तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है टेक्जोनॉमी हम लोगों ने वो पढ़ना शुरू किया था तो जो टेक्जोनॉमी का फर्स्ट यूनिट था उसका हमने सारे क्लासिफिकेशन ओरिजिन इन सब के बारे में जो स्टडी है वो कर ली थी अब ये फ़र्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है पार्ट सिक्सथ इसमें जो हम नूमन कल्चर है उसके बारे में और जो फ्लोरल टर्म्स हैं मतलब जो फूल होता है उसमें साइंटिफिकली अलग अलग तरीके के पार्ट होते हैं उनको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं ठीक है तो हम उन टर्म्स के बारे में जानेंगे क्योंकि जब तक आप जो सेकेंड यूनिट है उसमें अगर आप एंटर करेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल द फैमिलीज जैसे रनियसी है लीनियसी है ठीक है सोलिनसी है इन सब फैमिलीज़ के बारे में आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा ठीक है कि जैसे कि मान लो कि आपको कोई फूल दिया है उसकी पेटल किस तरीके की, की होती हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पेटलेस होता है कि नहीं ब्रैक्ट होते हैं कि नहीं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रैक्ट क्या होता है और ये फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं ठीक है तो इसलिए हम फ्लोरल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो लेट्स पिक आर टॉपिक बॉटनी सेकेंड ईयर चैप्टर फर्स्ट पार्ट सिक्स पहले देखते हैं नोमिन कल्चर क्या होता है बहुत पहले से आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज़ का नामकरण करते हो जैसे आप हिंदी में जो टर्म यूज़ करते हो ना कि नामकरण वही आप साइंटिफिक भाषा में उसको नोमिन कल्चर बोलते हैं जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो आप उसका अगर नामकरण करते हैं तो उसको हम कहते हैं नोमन कल्चर स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि नोमन no कल्चर का मतलब ये होता है कि आप किसी को साइंटिफिक वे में किसी रूल के अकॉर्डिंग उसका नाम देना ठीक है तो जब बायनोमिकल सिस्टम आया था कार्नेस लूनियस कार्नेस लीनियस का तो उन्होंने उनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है ठीक है उन्होंने ये बाय बाईन, जो सिस्टम होता है नेमिंग का वो दिया था बायनोमियल का क्या मतलब होता है बाय का मतलब जब भी कहीं पर बाय लगता है जैसे बायसेक्शुअल या फिर जब भी कहीं पर भी बाय लग जाता है ठीक है तो उसका मतलब होता है दो ठीक है जैसे बायो मतलब मैं दो भाषाओं का प्रयोग करती हूँ बाय मतलब टू सेक्सेज आर प्रेजेंट मतलब मेल और फीमेल दोनों है ठीक है जैसे और ये बायोनॉमिकल का क्या मतलब हो गया दो नामों से मिला हुआ ठीक है इसके पहले जो सिस्टम था वो पोलिनोमियल था मतलब उसमें ऐसा होता था जैसे सिर्फ दो नाम नहीं है जैसे कि साउथ इंडियंस जो होते हैं उनका नाम सिर्फ नेम और सर नेम बहुत बड़ा होता है मतलब बहुत बड़ा सा नाम होता है उनका ठीक है तो ऐसा हुआ करता था कि पहले किसी भी प्लांट का नाम बहुत बड़ा सा हुआ करता था उसमें डिफ़िकल्ट होता था रिमेंबर करना ठीक है जैसे आप किसी भी साउथ इंडियन से जाके बात करते हैं आप अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो आपको बहुत लंबा चौड़ा नाम बताएगा उसको रिमेंबर करना बहुत मुश्किल होता है ठीक है तो इसीलिए जो कार्नस लीनियस है उन्होंने बोला कार्निसनियस ने कि हम बाय बायोनिकल सिस्टम रखेंगे हर एक प्लांट का जो नाम होगा वो दो भाग में डिवाइडेड होगा फर्स्ट होगा जो उसका जेनेरिक नेम होगा और दूसरा उसकी स्पीसीज का नाम होगा ठीक है जो जेनरिक नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जो स्पीशीज का नेम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा ठीक है फिर उसके बाद ये एग्जांपल दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका का मैंगीफेरा इंडिका आम को कहते हैं जो अपना मैंगो होता है ना उसको साइंटिफिक भाषा में मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं और जैसे जो पी होता है मटर उसको हम क्या कहते हैं पाइसम सेटाइवम कहते हैं है ना तो इन दोनों का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि पाइसम सेटाइवम आप, आप क्लास टेंथ से पढ़ते आ रहे हो है ना महंगी फेरा का शायद क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर फर्स्ट में आपको इवेंट था तो इसलिए इन दोनों को नाम याद रखना और कभी कभी क्या होता है इवन नीट के एग्ज़ाम में आप देखोगे कि ऐसे टर्म्स दिए रहते हैं और आपको पता करना रहता है कि ये जो नाम लिखा है वो साइंटिफिकली सही है या गलत है ठीक है तो इसमें जो महंगी है वो जेनेटिक नेम है और जो इंडिका है वो स्पीशीज़ का नेम है ठीक है और पहले क्या हुआ करता था पहले कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था है ना कि जैसे इंग्लैंड में किसी ने मैंगी फैरा का नाम दे दिया मैंगो को ठीक है और इंडिया में उसको आम ही किसी ने साइंटिफिकली उसका नाम दे दिया कुछ एक्सवाइजर्ड ठीक है तो क्या होता था पहले ऐसा नहीं था कि सबको पहले पता चल जाए कि हाँ क्या हो रहा है ऐसे अचानक से नहीं पता चलती थी चीज़ें टाइम लगता था तो रूल क्या हुआ करता था कि जिसने सबसे पहले नाम दिया है उसी का नाम क्या है उसी का नाम हम क्या बोलेंगे कि यही जो नाम है जो सबसे पहले नाम दिया गया है यही वेरीफाइड नेम है उसी को साइंटिफिक नेम मान लिया जाता था और जो बहुत सारे नाम हो जाते थे जैसे ठीक है तुमने वेरीफाइड नाम तो कोई और है लेकिन हमने भी नाम कोई नाम दे दिया श्रीलंका वालों ने कोई नाम दे दिया बांग्लादेश ने किसी कुछ और नाम दे दिया यू के यू सब ने अलग अलग नाम दे दिया तो उसको हम सनोनमिया कहा, कहा करते थे सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है एक ऐसा शब्द है जिसके दो अर्थ मतलब जैसे कि मान लो कि एक इंसान है उसका नाम है राधिका ठीक है और उसी को घर में बुलाते हैं मीना तो राधिका और मीना क्या है एक इंसान के नाम है ठीक है वैसे ही अगर एक ही पेड़ के दो नाम होते थे तो उसको सुनाने में आ, कहा जाता था ठीक है ये थोड़ा बहुत हुआ फिर उसके बाद आई सी बी एन आई सी बी एन क्या होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉनिक बोटनिकल नोम कल्चर ठीक है मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन कल्चर का क्या मतलब होता है एक काउंसिल जैसी बनाई गई जिसमें ऐसे कमिटी है जिसमें लोग जो होते हैं वो वेरीफाइड नाम जो होते हैं प्लांट्स के वो लिखते हैं ठीक है मतलब मान लो ऐसा कि कोई कम्युनिटी ऑफ वो नामकरण करने का पेड़ों का नामकरण करने का जिम्मा उनका है अगर बी की जगह जेड हो जाए तो क्या हो जाएगा तो वो एनिमल्स के लिए हो जाएगा ठीक है इसको पहला जो फाउंडेशन था इसका मतलब इसकी जो शुरुआत हुई वो फिलासफिका बोटेनिका नाम की एक किताब से हुई जो कार्नस लीनियस ने लिखी थी ठीक है जो करंट इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोम कल्चर है वो 1978 में आया करंट का क्या मतलब है जब भी जैसे आपने कांग्रेस के बारे में अगर कभी पढ़ा होगा तो कांग्रेस पार्टी पहले कुछ और थी फिर इंदिरा गांधी कि सेपरेट हो गई कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ में फिर जो अभी कांग्रेस चल रही है वो शायद कांग्रेस ओ है है ना तो ऐसे ही क्या था कि पहले फाउंडेशन कुछ और रखी गई लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते गए चेंजेस होते गए और वो चीज़ बदल गई है ना तो पहले जो आई था वो बहुत पहले रखा गया था ठीक है कानस लीनिस की किताब के द्वारा जो उसमें टर्म यूज़ किया गया था और उसके बाद फिर नाइनटीन में वो बिल्कुल डिफरेंट एक टर्म लेके आ गए एक डिफरेंट आईसीबीएन की स्थापना हो गई अब मेन पॉइंट्स ऑफ दिस कोड्स आर एज फॉलोज मतलब इस कोड ने कुछ एक पॉइंट बनाए हैं कुछ मेन इंटेंशन जैसे कुछ मेन रूल्स फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं ठीक है द वर्ड टेग्जा रिप्रेजेंट एग्जोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंक एंड दीज रैंक बिलोंग टू स्पीशीज फैमिली ऑर्डर क्लासेस सीरीज सीरीज एंड किंगडम ठीक है इसका क्या मतलब होता है कि जो ये होते हैं ना जैसे किंगडम फ़ाइलम डिविजन्स ऑर्डर ये जितने भी टर्म्स uh, होते हैं इन हर टर्म को तुम टेक्जा कह सकते हो जैसे कि क्लास एलेवंथ है ट्वेल्थ है साइंस सेक्शन है कॉमर्स सेक्शन है पर तुम सबको क्लास रह कहते हो है ना ऐसा नहीं है कि क्लास ट्वेल्थ को तुम कुछ और कहते हो क्लास अलेवेंथ को कुछ और कहते हो अलेवेंथ को भी तुम क्लास कहोगे ट्वेल्थ को भी तुम क्लास कहोगे है ना ऐसे ही चाहे स्पीशीज़ हो चाहे किंगडम हो उसको तुम क्या कह सकते हो टेक्जा ठीक है सिंगुलर अगर यूज़ करते हैं हम तो टेक्ज़ोन वर्ड यूज़ करते हैं किंगडम्स किंगडम जो होती है वो हाइएस्ट है और जो स्पीशीज़ है वो लोवेस्ट एग्जॉन है हाईएस्ट एग्जॉन क्यों है किंगडम क्योंकि एक किंगडम में बहुत सारे जानवर आते हैं और उसके कंपैरिजन में कुछ कम जानवर आते हैं अपने डिविजन्स में उससे कम आते हैं ऑर्डर में उससे कम आते हैं फैमिली में उससे कम आते हैं क्लास में उससे कम आते हैं स्पीशीज में ऐसे एक ऑर्डर होता है ठीक है तो सबसे ज़्यादा एनिमल्स किस में आते हैं किंगडम में और सबसे कम एनिमल्स किस में आते हैं स्पीशीज़ में ठीक है इसलिए स्पीशीज़ को लोवेस्ट माना गया है और जो किंगडम है उसको हाईएस्ट माना गया है ये याद रखना हर एग्ज़ाम जो भी आप एग्ज़ाम देते हो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है जब भी कोई डिवीज़न होता है तो उसका जो एंड टर्म होता है वो होता है फाइटा जैसे आपने सुना होगा हर्बीवोरस बोरस कार्नी ठीक है उमनी जो वोरस टर्म होता है उसका क्या मतलब होता है खाने वाला जब भी किसी टर्म के नीचे के पीछे बोरस लग जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये खाने वाले की बात कर रहा है ठीक है तो ऐसे ही जब भी किसी टर्म के पीछे फाइटा लग जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है ये डिवीजन की बात कर रहा है अगर ए लग जाता है तो क्लास की बात कर रहा है और अगर ए सी लग जाता है तो उसका क्या मतलब होता है कि ये फैमिली की बात कर रहा है अब एक चीज़ आती है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे आपको दस काम करने हैं ठीक है लेकिन दस में से आप एक काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो जैसे मैं खाना पकाना है और आपको पढ़ना है ठीक है लेकिन आप चाहते हो कि नहीं खाना बनाने को हम ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे और घूमने भी नहीं जा पाएंगे ठीक है तो तुम खाना बनाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो ठीक है तो उसको क्या कहते हैं उसको ज़्यादा महत्व देना किसी चीज़ को महत्व ज़्यादा महत्व देना है इस प्रायोरिटी ठीक है तो जो प्रिंसिपल ऑफ टेक्जोनॉमी है सॉरी इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टूल एंड नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग बिटवीन द टेक्ज़ोनॉमी सिस्टमैटिक एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ नोमन कल्चर तो ये तीन चार चीज़ें होती हैं ना टेक्जोनॉमी सिस्टमैटिक्स आई सी बी एन ठीक है या फिर इंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ नोम कल्चर ये जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत सिमिलर लगती हैं ठीक है तो इनको एक इंटरेस्टिंग इन, बनाने के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी दिया गया था ठीक है जो टेक्जोनॉमी होती है और सिस्टमैटिक्स होती हैं ये सनोनीयम टर्म्स हैं ऑलमोस्ट ठीक है मतलब काफ़ी टर्म्स ऐसे होते हैं जो एक नहीं होते पर यूज़ एक तरीके से किए जाते हैं ठीक है जैसे कि संध्या ठीक है शाम शाम और रात हमेशा नहीं आ, कभी कभी आप रात को भी शाम कह देते तो कि बहुत शाम हो गई है विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू कि रात हो गई है ठीक है जैसे कभी कभी कोई नौ बज जाते हैं नौ बजे आते हैं तो कहते हैं कि बहुत शाम हो गई हमको आते आते बट वो एक्चुअली रात हो गई थी तो वो सिनोनीम जैसे यूज़ करते हैं पर सिनियम नहीं है तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक सिनोनियम जैसे यूज होते हैं पर सिनोनियम नहीं है ठीक है इसमें बायोडाइवर्सिटी जो होती है बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है किसी एक प्लेस में बहुत सारे एनिमल्स का रहना तो वो जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका डिवीजन करना स्पीशीज़ में डिस्क्राइब करना क्लासिफिकेशन करना ठीक है इन सब के बारे में करता है इट इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एंड गोल्स ऑफ टेक्जोनॉमी और, और सिस्टमैटिक जो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है ये दोनों के टेक्जोनोमी और सिस्टमेटिक के जो मेन गोल हैं उनके बारे में बात करता है इसकी लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन ये है द प्रायोर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी स्टार्ट विथ ये जो बुक आई थी स्पीशीज़ ऑफ प्लांटेशन ऑफ़ लीनियस ये पब्लिसाइज पब्लिशाइज हुई थी फर्स्ट में सेवनटीन फिफ्टी थ्री में इसके पहले ऐसा कोई प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी नहीं था जिसके कारण बहुत सारे नाम बदले गए हैं ठीक है पहले कुछ और कहते थे फिर बाद में कुछ और कहते थे क्यों ऐसा हुआ क्योंकि जैसे बाद में ये रूल स्टैब्लिश हुआ कि जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनका जो एंडिंग होगा एंड टर्म होगा वो ए से होगा ठीक है पहले ऐसा नहीं था तो पहले फैमिलीज़ के नाम अलग हुआ करते थे बाद में चेंज किए गए थे इट इज़ ओनली इट इज़ ओनली लिमिटेड अप टू फैमिली लेवल जो सिर्फ फैमिली लेवल का डिवीजन होता है वहीं तक सिर्फ ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी फॉलो होता है उसके बाद नहीं होता और इसमें बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े बाद में बस यही बात कही गई है तो यहाँ से अपना चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है आई होप आपको पसंद आया होगा चैप्टर सेकंड भी टेक्जोनॉमी के बारे में है पर इट इज़ मोर लाइक कि स्पेशल चीज़ों कुछ स्पेशल स्पेसिफिक क्लासेस जो हैं स्पेसिफिक फैमिलीज़ जो हैं उनके टेक्जोनॉमी की बात की गई है कि चलो सोलिनसी है ये किस किंगडम में आता है किंगडम तो ऑलवेज प्लांट होगा तो बस वही बातें की गई हैं इसका कंटिन्यूएशन है तीन तीन चैप्टर में अपना तीन तीन यूनिट में अपना एक्चुअली डिवाइडेड है तीन में हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे और तीन में हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपको पसंद आया होगा लिव लाइफ लव लाइफ बाय टेक केयर टाटा